हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आइडल्स पॉडकास्ट अनिशिंग एक्सपीरियंसेस वेलकम टू दी नेक्स्ट एपिसोड सो आज हमारे पास है uh, हमारे नेक्स्ट आइडलाइट दीपक कोरी जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं दीपक uh, ने आगे गए हमारा मे जून बैच जॉइन मे बैच जॉइन करने वाले थे लेकिन उन्होंने जून बैच में यू नो एनरूल किया था सो यू नो काफ़ी दूर से आए हैं एंड यू नो एक बिगनर लेवल डांसर एंड काफ़ी पैशनेट है, है डांस को लेके ओके okay? एंड तो चलिए यू नो दीपक के यू नो पास चलते हैं एंड उनका एक्सपीरियंस जानते हैं आइडल्स में उनका सफ़र अभी तक कैसा रहा है एंड डांस को लेके जो उनका एक जगह का पैशन है ना वो मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है एंड नो वो चीज़ कहना कहें मुझे भी काफ़ी इनक्रेज किया है सो तो दीपक से ये जानते हैं कि नो उनको डांस ना फर्स्ट ऑफ़ ऑल क्यों पसंद है एंड उनका एक्सपीरियंस आइडल्स में कैसा रहा है सो हेलो दीपक हेलो सर वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट थैंक यू सर सो दीपक फर्स्ट ऑफ ऑल नो डांस आप कब से कर रहे हैं एंड डांस आपका पैशन कभी बना सर डांस तो मैं बचपन से यानी जब भी स्कूल टाइम में जब मैं पढ़ाई करता था उसी टाइम से मुझे डांस पे ज़्यादातर मुझे पसंद आ गया लेकिन उस टाइम से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ाई में कैसे फोकस करूँ क्योंकि उससे पढ़ाई से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेरा डांस पे ज़्यादा लगता था तो घर पर डांट भी पड़ती थी ऑब्वियसली पापा का यही कहना था कि तो डांस में से मन न लगा कर तुम पढ़ाई में ध्यान दो तो वो चीज़ भी मुझे मेरे अंदर आते ही नहीं थे तो पापा ने मेरे को एक ही बात बोली कि दीपक तुम यानी कि अगर पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं अगर चल रहा है तो तुम अगर तुम्हारा अगर किसी चीज़ में अगर ध्यान है तो तुम उसको ऐसे करो कि उस किसी त गहराई में घुस जाना अगर तुम उसको अगर कर रहे हो तो बहुत ही गहराई में जाओ नहीं तुम मत करो कोई मतलब का नहीं है तो मेरे को तो पापा ने कभी यानी पढ़ाई के लिए उतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया पापा का कि बोले यही कहना था कि जो भी करो तो अच्छे से करो तो उसी फिर मैंने सर वो मेरा फैशन कहीं जाके जब मेरा दो में मेरा बना तो उसमें मैंने फिर ध्यान देना स्टार्ट किया लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए गाइडलाइंस करने वाले मेरे लिए कोई नहीं था मैं केवल अकेले ही था मुझे लगता रहा कि मैं इसमें यानी कि कैसे कर पाऊँगा इसको मैं या उसके बारे में मेरे को सही नॉलेज भी नहीं था तो मैंने काफ़ी तरीके से टीवी में भी उस टाइम पर टीवी भी नहीं थी तो यानी कि पड़ोस से पहले जाके मैं टीवी भी देखा करता था और ऐसे 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 करते ही फिर मुझे यही दिखाई मुझे तो सोशल मीडिया के बारे में भी पता चला तो उसमें मेरे जब जब मैंने देखा कि YouTube वगैरह में भी यानी वीडियोस आती हैं तो मैं उनमें मैंने देखना स्टार्ट किया कि आखिर इसमें नया आ क्या रहा है उसी उसी चक्कर फिर मैंने उसमें स्टार्ट करने स्टार्ट किया कि फिर मैं अपने आप में उसको ट्राई कर रहा था कि मेरे मेरे बॉडी में वो कैसे इम्प्रूव हो हाँ ये है कि मुझे उसमें यानी कि स्टेप्स के नाम पता नहीं रहते थे ऐसे करके मुझे मेरे यानी कि एक्सपीरियंस उसमें बढ़ा ओके सो मतलब तब से लेके जब भी आपने मतलब नो डांस करना स्टार्ट किया है यस सर जब भी आपने यहाँ वहाँ से आप देख के वीडियोस देख के सीखते थे यस yes, सर okay, तो कब आपको लगा कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करना चाहिए एंड uh, उसके दौरान कैसे फिर आपको आइडल्स के बारे में पता चला सर ये मुझे तो ये इसका मुझे आइडिया आ गया था अभी अभी फ़िलहाल अभी पाँच में पाँच से छः महीने पहले ही आया था कि मुझे एक बार तो ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तो मैं अपने अंदर है तो मैं ये सोचता था कि मैं मुझे आधा नॉलेज लेकर मुझे कोई कुछ हासिल नहीं होने वाला है मैं अगर चाहूँगा तो मेरे को इसके बारे में मेरे को फुल नॉलेज चाहिए अगर अगर उसी टाइम पर किसी ने या फिर मुझे मुझसे अगर प्रोफेशनल डांसर ने ही अगर मेरे से कुछ अगर डांस के बारे में अगर पूछ लिया तो मैं क्या करूँगा आखिर मैं उस लाइन में हूँ लेकिन मैं यानी कि अगर मैं न बता पाया तो मेरे लिए देख समझ लो एक खुद में एक डल डल्टी फील होने होने जैसी बात है तो सर मैंने ये सोचा कि अब मुझे ये करना है कैसे भी करना है तो फिर उस वजह से मेरा आज से तीन साल पहले एक्सीडेंट भी हो गया था तो उस 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 कारण मेरे मेरे जो कालरबोन थे जो तो वो ये दो बार ऑपरेशन हुआ उसका तो उसका कारण सर यानी मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया लेकिन मन में कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा एक ही जो है एक ही जो सपना है वही मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था मेरा सपना यही था कि मुझे मुझे कैसे भी करके मुझे ट्रेनिंग करनी है मेरे को उसको प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो पापा जी पापा जी भी ये सब कुछ जानते थे लेकिन पापा जी का ये कहना था कि बेटा बॉडी सबसे पहले है पहले खुद पर ध्यान दो तो उसके बाद फिर यानी कि जो कुछ सोच रहे थे वो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है तो उस कारण मैं पापा की बात सुन के भी मैं उनकी बात मानता रहा लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता रहा कि दीपक तुम अपनी एक ख्वाहिश भी तोड़ रहे हो यानी छोड़ रहे हो कि तुम उसको तुम तुम उसको पूरा ये नहीं कर पा रहे हो तो कहीं कही ना कहीं पापा को भी ऐसा लग रहा था कि इसका अगर मन है तो ठीक है तो पापा ने में भी बोला कि चलो ठीक है तुम्हारा अगर मन है तो हमने तुमको चार महीने दिए जाओ लेकिन जा रहे हो तो ऐसा कुछ करना ये हमको लगे कि हाँ ठीक है ऐसा हुआ सर ठीक और मैं आपके आ, इंजरी के बारे में भी बात करना चाहूँगा लेकिन आ, अभी नहीं फिलहाल थोड़े टाइम बाद लेकिन उससे पहले मैं नो जब भी आपने बोला आपके डैड ने आपको टाइम दिया नो आपकी जो ख्वाहिश हो पूरा करने के लिए सो so, तो वहाँ से यू नो आपने कैसे फिर यू नो सर्च किया कि आइडल्स जाने के लिए एंड क्यों आइडल्स ही चुना आपने बिकॉज और भी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में राइट right? क्यों आपने आइडल्स चुना एंड क्या रिसर्च करके आप यहाँ पे आए एंड क्या आ, सोच के आपने डिसीजन लिया सर उस टाइम पर मैं जब मैं डांस करता था मैं अपने स्टूडेंट को जब सिखाता था उस टाइम पर मुझे ये भी पता नहीं रहता था कि मैं स्टूडेंट को जो कोरियोग्राफी सिखा रहा हूँ तो उनमें यानी कि स्टेप्स के नाम क्या हैं और किस तरीके से सिखाना है मुझे वो भी पत्नी मैं मैं उसमें अपना इफेक्ट डालता था कि सर मेरे को कैसे बताना है तो उस तरीके से कहीं ना कहीं बच्चे यानी कि नर्वस भी होते थे उनको ये लगता था कि कभी कभी कि सर शायद सही ढंग से नहीं बता पा रहे तो मेरे को अपने आप में खुद ऐसा लगता कि था कि नहीं मेरे अंदर बहुत कमी है मेरे को इसको यानी कि एक बार तो मुझे करना ही करना है तो उस वजह से क्या उत्तर है कि मुझे अब यानी कि मैंने घर में मैंने पापा को इस जब ये चीज़ बताई तो पापा ने बोला ठीक है अगर तुमको अगर ऐसा कुछ अगर समझ में आता है तो यानी कि तुम्हें क्या सही लग रहा है कहाँ पे ऐसा सही क्या लग रहा है मेरे पापा अभी तक तो मैं इस चीज़ के बारे में तो जाना नहीं हूँ तो क्या होता है सर कि मैं जो भी मेरे जो भी मैं कोई भी प्रॉब्लम में फंसता हूँ या कुछ भी होता है तो मैं अपने पापा से डिस्कस करता हूँ क्योंकि वो मेरे लिए सबसे पहले है तो फिर मैंने सर मैंने ये सोचा कि अगर मैं ट्रेनिंग करूँगा तो मुझे मेरे ही पसंद का अगर मिल जाए तो मेरे को मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं यही सोचता सर कि जहाँ भी मैं अगर मैं ट्रेनिंग करना चाहूँ तो मुझे प्रॉपर नॉलेज मेरे को मिल जाए जो मैं चाहता हूँ कि मुझे यानी कि एक एक यानी अगर स्टेप्स अगर है तो स्टेप्स का जो जो मुझे यहाँ पर सीखने को मिला सर जो उसको बिल्कुल गहराई से ही समझाया जाता है मेरे को वो चीज़ मेरे को थिंकिंग में वही से बना के चला था कि मेरे को वो चीज़ ही जो है तो यानी कि मुझे सीखने को मिला तो फिर मैंने इसके बारे में मैंने सोशल मीडिया में मैंने देखा तो मैंने ऐसे में काफ़ी वीडियोस देखा था लेकिन आइडिया के बारे में जब देखा मैं इसमें तो मुझे कहीं ना कहीं तो जब मैं सभी की जब फीडबैक देखता रहा तो मुझे ऐसा लगता रहा कि शायद ऐसा यानी उस टाइम पर मैं कन्फ्यूज़ था कि ऐसा क्या होता भी होगा क्योंकि मैंने आज तक यही सुना है कि डांस केवल ट्रेनिंग कर करवाते हैं और उसे यानी कि बस यानी कि सिखा के छोड़ देते हैं लेकिन मैंने पहली बार देखा कि आइडल्स में यानी कि उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है आगे का कैरियर कैसे बना सकते हैं उसके बारे में भी बताया जा रहा है तो मैंने सर मैंने फिर उस टाइम में मैंने कुछ नहीं सोचा फिर मैंने ये तो यानी कि सीधे कॉन्टैक्ट करना यानी कि स्टार्ट किया फिर मैंने पापा को भी ये चीज़ बताई तो बोले ठीक है कोई बात नहीं अगर यानी कि अगर सही है तो हमारे हिसाब से तो जाओ ओके okay, सो so आपने फिर वो वीडियोज़ देखिए हमारे यस सर आपको लगा कि हाँ ये सही जगह है तो आपने डिसीजन लिया यस सर आपके तो so, जब से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तब से लेके अब तक आपका सफ़र कैसा रहा आइडल्स में क्या आपका यू नो एक्सपीरियंस क्या क्या चीज़ आपको सीखने मिली है क्या उसके बारे में आप बता सकते हो सर जब से मैंने आइडल्स ज्वाइन किया है तो मैंने अपने आप में फ़र्क तो ये देखा है कि मैं जो पहले यान कि भूलता रहा जो मेरा सबसे मेन बड़ा कारण था तो उसमें मेरा सबसे ज़्यादा हुआ है. कि भूलना भूलने से क्या होता रहा सर कि मैं अगर भूल भी रहा हूँ कोई स्टेप टाइप तो भूलने के चक्कर में मैं कोरियोग्राफी भी भूल जाता रहा तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रही जो अभी से मैंने मेरे अभी तो पाँच बैच पाँच बैच हो चुके हैं तो पाँच बैच में मुझे सर बहुत अच्छा लगा उस टाइम पर जब मैं सीख रहा था तो उस टाइम पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता रहा बल्कि मुझे फिर जब मैंने धीरे धीरे करके जब मैं सोचना स्टार्ट किया कि उनको समझना स्टार्ट किया तब मुझे समझ में आया कि नहीं ये यानी कि ऐसा भी होता है क्योंकि सर उस आदत में मैं नहीं ढला हुआ था क्योंकि उस आदत में मैं यानी अपने स्टूडेंट को ढलाता था तो मैं अपने ऊपर कभी तो वो नहीं किया तो ऐसे में सर मेरा जो था बहुत अच्छा था ओके okay. uh, मैं अभी uh, दो चीज़ के बारे में आपसे तो पूछना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल पी आई टी एज वेल एज पी ई डी बी बिकॉज आपने हमारा ट्वेल्थ कोर्स जॉइन किया है ओके okay. सो so, uh, पहले मैं आपसे पी के बारे में पूछना चाहूँगा ओके सो पी पी Uh, मैं आपको ऐसा क्या क्या जरूरी चीज़ें सीखने मिली ओके एंड पी आई टी पी सीखने के बाद करने के बाद लाइक like, नो you know, आप क्या क्या चीज़ें आप में देख पाए हो एंड आपका डांस को लेके लाइक like, क्या पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है लाइक हाँ मैं ये भी कर सकता डांस में हाँ मेरे लिए ये भी एक अपॉर्चुनिटी है सो so, उसके बारे में आप कुछ बताओगे सर पी आई टी पी में तो मैं उसके लिए तो मेरे यानी कि सोचने मैं अगर भी ना तो कहीं और यानी सोच से भी ज़्यादा ऊपर है पी आई टी पी मेरे लिए क्योंकि मैंने जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मुझे यहाँ देखने को मिला और वो वो मेरे को सीखने को भी मिला सबसे ज़्यादा था मेरे लिए कॉम्युनिकेशन्स कॉम्युनिकेशन में अगर हम बोले तो बात करना ही बस नहीं डांस करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि डांस क्या होता है सर कि सभी के सामने अगर हम बात नहीं कर पाते हैं तो उसको हम सुधार तो सकते हैं लेकिन सबके सामने डांस करना भी एक वो हमारे लिए बहुत जरूरी है तो वो चीज़ मुझे सर वो कमी मेरे को बहुत दूर हुई और प्लस क्या है कि उसमें मुझे है तो हैंड हैंड स्टैंड करना इसको यानी कितने जितने जितने ज़्यादा आप कम्फर्ट रहोगे उतना ज़्यादा आपको बोलने का तरीका चेंज होगा आपका आपका लैंग्वेज से लेके यानी कि आप, आपको कैसे बात करना है किससे बात करना है और से उस आगे मार्केटिंग सबसे मेन तो डांस से जो हम डांस बस तो सही नहीं है डांस को अगर बोला जाए तो उससे भी ज़्यादा सही है कि हम डांस को कैसे आगे तक कैरियर बना सकते हैं तो उस चीज़ के बारे में मुझे तो पी आई टी पी मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा जानने को मिला तो सर मेरी तो पी आई टी पी बोले जाए तो एक तरीके का आ, जैक पोर्ट ही सो यही चीज़ें so, आपने सीखा है जैसे आपने बोला कि हनो इतने सारी चीज़ें आपको सीखने मिली है ये yes, सर so, ये सब चीज़ें कैसे आपको हेल्प करने वाले आपके करियर बिल्डिंग में डांस में स्पेशल बिकॉज़ आप भी एक टीचर हो आप एक स्कूल में सिखा रहे हो मध्य प्रदेश में ये ठीक है सो so, वहाँ पर कैसे आपको वो चीज़ें हेल्प करने वाले आपका जो आपका क्राफ्ट है आपका टीचिंग को और सुधार करने के लिए एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपके करियर बिल्डिंग में इस, सर पहले क्या था कि जब मैं सिखाता था तो डायरेक्टली मैं दो मिनट पर वार्म अप कर कर देता था उसी के साथ में मैं कूल डाउन भी कर देता था एक साथ में मैंने दो कर दो नहीं कर देता था और डायरेक्टली फिर उसके बाद फिर मैं डांस स्टार्ट कर, कर देता था तो उसमें क्या रहता था, था कि बच्चे थक जाते थे लेकिन बैठ जाते थे फिर दूसरे दिन क्या होता था कि कभी तो यानी कोई बच्चा आ नहीं रहा या फिर कभी कोई आ नहीं रहा तो वो मेरे को सही तरीका पता नहीं था कि इसमें यानी कि ऐसा होता भी है मुझे अब उस समय मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी जाती थी कि मुझे तो टीचर्स की बातें सुनी कभी कभी पड़ जाती थी कि टीचर्स टीचर्स का कहना रहता रहा कि सर यानी कि बच्चे जैसे आपके पास आ नहीं रहे तो इसका मतलब कैसा है तो मुझे खुद समझ में नहीं आता रहा कि मैं क्या करूं ऐसा मैं उसके बारे में सर मैं यूट्यूब यूट्यूब में भी मैं तो काफ़ी सारा चेक किया था तो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता रहा कि मैं किसको मानूँ सही इसमें यानी कि मेरे को यूट्यूब में भी मेरे को वार्म और से कूल डाउन के बारे में बताया गया है लेकिन उसमें मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि कूल डाउन जो होता है तो उसमें प्रॉपर तरीके से क्या बॉडी को तो सॉफ्टली करने के लिए होता है कि हार्डली होता है वो उसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था तो मेरे को हाँ इतना जरूर है कि यहाँ से जाने के बाद जो मैंने यहाँ से सीखा तो वो चीज़ मैं जाके वहाँ ऑब्जर्व कर सकता हूँ बहुत बढ़िया दीपक जो क्लैरिटी आपको बोल मतलब मिला है लाइक है जो आप जिस तरह ट्रेनिंग करा देते या कि उसके बाद यहाँ पे पी आई टी पी करने के बाद कितना आपको वो सब चीज़ें यू नो क्लियर हुआ है जैसे yes. आप आगे जाके वापस वहाँ पे आ अप्लाई करने वाले हो yes. सुन के अच्छा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं आपने आपका जो प्रॉब मतलब आ, जो गलत मेथड्स आप फॉलो कर रहे थे तो उसको आप करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ओके सो चलिए अभी हम हमारे पी डी पी के बार, आ, न, बारे है ना बात करें डांस ट्रेनिंग के बारे में आपने ऑलमोस्ट सारे स्टाइल्स सीखे हैं yes. आपने ऑलमोस्ट आप कार मास्टर क्लास हुआ है लाइव कोरोग्राफी क्लास हुआ है ओके एंड उसी बीच में आपका एक शोल्डर इंजरी जैसे आपने बताया आपका ऑपरेशन हुआ था ठीक yes. है आपको बहुत पेन होता था फिर भी लेकिन आपका जो बोलते ना जुनून था कि मुझे करना है करके उसको लेके आप करते थे हमेशा ओके yes. सो okay? so, uh, क्योंकि मैं तभी देखा था कि आप कितने पैशनेट हो मतलब आप वो दर्द में भी करने की कोशिश कर रहे हो सो so वो होता है कि मतलब एक असली डांसर का अगर ना, बोलते ना एक पैशन ओके भले जो भी सिचुएशन लेकिन फिर भी हम वो करने की कोशिश करते हैं yes. ओके okay? सो डांस ट्रेनिंग को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा था आपके डांस सिंग स्किल्स में कितना आप इंप्रूवमेंट देख पा रहे हो अलग अलग टीचर्स के अंदर ट्रेन करने के एंड आपको आइडल्स का टीचिंग करने का तरीका कैसा लगा सर मुझे आइडल्स का तरीका तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने ऐसा मैंने ऐसा तरीका तो मैंने कहीं देखा भी नहीं है और से खास से मैंने इसको सोशल में तो बिल्कुल भी नहीं क्योंकि मैंने जो तरीका यहाँ पर देखा और उसको जाना और से उसको मैंने झुक किया मैंने यहाँ देखा कि हर एक स्टेप्स को हर एक मूव को बिल्कुल ऐसे ब्रेक ब्रेक डाउन से बताते हैं कि बिल्कुल उसके गहराई में ही जब तक वो आ नहीं जाएगा जब तक आपकी बॉडी में आ नहीं जाता जब तक वो यानी कि उसके अलावा दूसरे स्टेप तो करवाएंगे नहीं वो क्योंकि वो अच्छे तरीके से बॉडी में बैठना चाहिए अगर वो नहीं बैठेगा तो कोई मतलब का नहीं है कहीं कहीं ऐसा होता है सर कि डांस तो अगर सिखाते नहीं कोई भी स्टेप अगर बताते हैं तो को वो स्टेप क्लियर हो या ना हो सेकंड स्टेप स्टार्ट कर देते हैं तो ये चीज़ की मेरे को क्लैरिटी बहुत अच्छी लगी इधर की ये दो घंटे भी अगर हो रहे ने, सर मुझे सबसे ज़्यादा तो इसमें ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि टाइमिंग का बहुत बड़ा इसमें वो वो है अच्छा है कि इसमें टाइमिंग का जो यानी कि टाइम उसी टाइम पर ही यानी कि परफेक्ट पर ही करवाया जाएगा उसके बाद अगर दूसरी क्लास से भी अगर है ना तो वो भी मैनेज हो सकती है मैंने ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से देखा सर और से यानी कि ट्रेनिंग करने के टाइम पे जब हम पे, जब हमें टीचर बताते थे तो हमें बताने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा उनका ध्यान रहता था कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है कौन कौन चीट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है तो उसके बारे में ज़्यादातर ध्यान रहता था मैं खुद सोच में पड़ जाता था कि इतने सारे हम स्टूडेंट हैं लेकिन इतने सारे स्टूडेंट में सर की नज़र कैसे चली जाती है वहाँ तक मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि मुझे यानी कि इतने इतने अच्छे मेरे टीचर मिले मेरे को सभी से सीखने को मिला मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ थैंक यू सो मच दीपक हमारे ट्रेनिंग के बारे में बताने के लिए आ नो आ, जो चीज़ों पे हम फोकस करते हैं वो सब चीज़ें आपने यू नो डिस्क्राइब किया ओके okay? अभी ट्रेनिंग करने के बाद कितना कॉन्फिडेंट ऑफ फील करो रहा है सर सर मैं अपने ऊपर तो बहुत ज़्यादा मैं मैं तो अपने लिए बताऊँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही है क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि अब मैं सभी का जवाब दे सकता हूँ पहले मुझे आज से पहले आज से पाँच से छः महीने पहले मेरे को ऐसा लगता था कि मैं टोटली जीरो हूँ और सर मैं आइडस में आने के बाद मैं जीरो से ऊपर हुआ हूँ मैं प्रॉपर तो नहीं हुआ हूँ मेरे को बल्कि एट्टी फाइव तक मेरे को बहुत ज़्यादा यानी किसेंट परसेंट यस सर तो मुझे तो यानी कि अब ये लगता है कि मैं यहाँ से जाने के बाद मैं यानी किसी के सामने भी हूँ मैं उनका यानी कि उनके सवालों का जवाब दे सकता हूँ अब मुझे करने में मेरे को बहुत खुशी मिलेगी कि मैं आइडल्स में, में यानी कि सीख के जा रहा हूँ तो मेरे मेरे को बहुत आगे तक काम देगा यानी कि मेरा लाइफ टाइम भी अगर मैं चाहूँ तो मेरा इससे अच्छे से अप्रूव हो सकता है सर यहाँ पे बहुत बढ़िया दीपक बहुत अच्छा लग रहा है सर उनके वो सब चीज़ों के बारे में कि कैसे आपको आगे भी हेल्प करने वाला है ओके सो चलते अभी हमारे आखिरी सवाल की और जैसे आप आपने इतने सारे चीज़ें एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे राइट ओके सो आपके हिसाब से कैसे आइडल्स ए नो लाइक उनकी गोल पे वर्क कर रहा है जो है नो स्टूडेंट्स को सही तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करना ठीक है एंड कैसे उनको उस सही तरह का स्किल सिखाना करियर बिल्डिंग के लिए एंड साथ ही साथ कैसे ये जो कोर्स है आज की जनरेशन डांसर्स के लिए यू नो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आपके हिसाब से सर मैं एक चीज़ तो अच्छा ये यही ये बोलना चाहूँगा कि आइडल्स जो डिजाइन हुआ है ना वो मेरे को पहली बार मैंने ऐसा सुना था कि यानी आइडल्स से तो ए, इतना अच्छा प्लान यानी किया है कि वहाँ आपको यानी कि डांस के लेवल से लेके आपको आगे तक का आपको बहुत कुछ बताया जा रहा है तो मुझे तो सबसे पहले तो मैं आइडल्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो इतना अच्छा यानी कि एक कॉम्बो एक तरीके से मैं बोलूँ तो यानी कि एक ब्रांड है मेरे लिए वो ब्रांड ही है क्योंकि आइडल से से मुझे यानी कि इतना ज़्यादा मेरे को सीखने को मिला सर कि अभी तक यानी कि अगर मैं यहाँ से अगर जा रहा हूँ मेरे बाद कोई अगर स्टूडेंट यानी कि स्टूडेंट यहाँ पर तो हर एक स्टूडेंट को आना भी चाहिए और उनको यानी कि सर्च भी करना चाहिए कि हमें कौन सा नॉलेज कहाँ पर सही मिल रहा है कहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मेरे इसमें सर यही है कि जो आज के जो डांसर्स हैं जो अपने आप को यानी कि अपने करते तो हैं लेकिन उसका प्रॉपर नॉलेज उनको नहीं होता है लेकिन प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं मार जरूर खाते हैं इस चक्कर से क्या होता है सर कि वो अपने आप को खुद में सोच डूब जाते हैं सेम प्रोसेस अगर बोला जाए तो मेरे जैसे ही ऐसे हैं जो अपने आप में खुद पे डिपेंड नहीं कर पाते कि मैं करूँ तो करूँ क्या और फिर अलग से उनको एक प्रेशर अलग रहता है घर का प्रेशर अलग उनको खुद का प्रेशर अलग रहता है कि डांस क्लाबों से वो करे तो करे क्या जब वो एक ही चीज़ से क्लियर नहीं हो पाया तो वो उनको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है अब मैं मुझे तो मुझे बहुत खुशी है सर कि मैं डांस के अलावा भी यानी कि आगे कैरियर के बारे में यानी यान कि बताया जा रहा है कि आगे आपको कैसे चलना है तो हम डांसर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमको ऐसा इंस्टीट्यूट मिला कि हम वहाँ हम यहाँ आकर हम कर सकते हैं तो मैं अपने यानी कि जो भी डांसर हैं मैं उन सभी को यही बोलना चाहूँगा कि एक बार वो आइडा सागे ज्वाइन करें थैंक यू सो मच दीपक थैंक यू एक तरह का मैसेज uh, की तरफ आप यू you नो know, uh, एक पॉडकास्ट में कहने की कोशिश कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं आप भी यू नो रियलाइज़ कर रहे हो कि क्या चीज़ें हम सिखा रहे हैं यहाँ पे एंड okay, जैसे आप बोल रहे हो कि स्टूडेंट्स को आना चाहिए यहाँ पे समझना चाहिए क्या आइडियंस प्रोवाइड कर रहे हैं आई होप लोग रियलाइज़ करें कभी ना कभी, न, कभी न इस चीज़ को लेकर एंड थैंक यू सो मच दीपक बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के आपका एक्सपीरियंस के बारे में जान के आपका फ़र्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ देख के मैं काफ़ी खुश हूँ ओके कहीं ना कहीं ऑब्वियसली डांसिंग स्किल्स में भी लेकिन उसके अलावा बाकी पी आई टी भी में जो एफर्ट्स डाला है ओके okay. सर yes, उसमें भी मैं काफ़ी ग्रोथ देख पा रहा हूँ ओके एंड आई होप इस चीज़ को आप बटकरार रखोगे एनो yes. यहाँ से जाने के बाद भी आप उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करते रहोगे ताकि आप उसको ओ नो और अ, ताकि आप खुद से और अपर्चुनिटीज़ खुद से यू नो क्रिएट कर सको यस सर ओके सो थैंक यू सो मच दीपक आई होप आपके डैड प्राउड रहेंगे आपको देख के एंड थैंक यू सो मच आई नो आइडल्स पे भरोसा करके आने निकले यहाँ पे इतना एफर्ट्स लेके आने निकले एंड वो पेन में जो आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया है उसके लिए मैं काफ़ी अप्रिशिएट करना चाहूँगा आपका And और नो डिटर्मिनेशन को कि मुझे यहाँ पर आया तो चीज़ कंप्लीट करके जाना ही है सो so, एक काफ़ी रेयरली देखने मिलता है डांसर्स में लेकिन आपका वो मुझे कंस्टेंटली देखने मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा जान थैंक यू सो लिए सर एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आ, मुझे एक चीज़ और अच्छी इसमें लगा कि जब मेरा शोल्डर का प्रॉब्लम नहीं था तो मैं काफ़ी डांस प्लस डांस और डांस इंडिया डांस मैं ये सब देखता रहा तो उसमें काफ़ी लोग यानी कि जो उनके साथ ऐसा हादसा हो चुका है मैंने मैंने उनमें से ये देखा कि वो लोग कैसे अपने आप को अपने आप को अप्रूव कर रहे हैं इतना होने के बावजूद भी अपने आप को अपने आप में हार नहीं मान रहे हैं तो मैंने एक चीज़ का वही चीज वही थिंकिंग मेरे माइंड में बचपन से ही थी कि कुछ भी हो हार नहीं मानना है अगर हार अगर नहीं मानोगे ना आपके अंदर अगर जिद है तो पक्का आपको बहुत दूर तक लेके जा सकती तो वही सर मेरे को खुद भी मालूम नहीं था कि वही चीज़ मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है तो मैंने सर यानी जो ऑब्ज़र्व किया था मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो शायद मैं यानी जो सोचा मैंने यानी जो मैं सोचता पहले से आ रहा हूँ तो वही चीज़ मेरे साथ अगर हो गए तो मेरे अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो मेरे लिए फिर बहुत गलत है तो मैंने सर यही सोचा कि मेरे को हार नहीं माननी है तो मैं अगर जितना जितना तक अगर सोचूँ तो मैं आगे तक जाऊँ चूँकि मेरे को हर रोकने वाले बहुत से थे सर यहाँ तक के तो डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि डांस आपके लिए सही नहीं है आप इसको यानी कि बंद ही कर दो तो मैंने बोला नहीं जिसको मैंने तो यानी जिसको मैंने पूजा है वो उसको मैं इतने इतने जल्दी तो मैं बिल्कुल भी नहीं वो जब भगवान ही चाहेगा मेरे लिए कि मेरे को बैठना ही है तो वही मेरे को बैठाएगा मैं अपनी तरफ से तो मैं यानी कोशिश करता रहूँगा तो सर मेरा तो यही कहना है कि अपने आप में हार तो नहीं माननी चाहिए ऐसे ही अपने यानी कि अपने कोई कुछ भी हो या डांस हो या फिर कोई जॉब हो या कुछ भी हो इतने जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए कि यानी कि अपने आप में हार मान कर बैठ जाए तो इतना मैं नहीं मानता तो मेरे को जो खुद में ऐसा लगा सर तो मैंने माना कि हाँ नहीं अगर जिद है तो सब कुछ सो so, आपका कोशिश है ना है ऐसे घंटे एक अच्छा नो एक मैसेज भी आप दे रहे हो यहाँ कहीं ना कहीं कि आपका परसिवियरेंस एंड डिटर्मिनेशन से आप कुछ भी चीज़ें हासिल कर सकते हो यस सर ओके सो आई होप दीपक आप नो आपके जो गोल्स आप उसको अचीव करोगे थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट का पा नो पार्ट रहने के लिए Uh, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के एंड आई सेन्ट टू विश विस्टे ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच